मैंगो जूस के लिए हम ले लेंगे एकदम फ्रेश आम जो कि पूरा पका हो, और इसके साइड को हम ऐसे काट देंगे। आम को धो के पोंछ लेना है और उसको हम ऐसे कट लगाएंगे। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा आम निकल रहा है। अब हम एक शार्प स्पैचुला से इसका पल्प निकालेंगे, तो बिल्कुल इजीली तरीके से ये निकल जाता है। आप देख सकते हैं ऐसे ही आप भी निकालिएगा। तो ये हमारा पल्प रेडी है। दूसरा पल्प भी हम निकाल के दिखा देते हैं, क्योंकि ये हमारा चम्मच जो है एकदम शार्प है, तो ना वेस्ट हो रहा है ना दिक्कत हो रही है, आराम से हमारा पल्प निकल गया। अब हम मिक्सर जार में चलेंगे। हमने दोनों आम को पल्प अलग कर लिया। अब हम थोड़ा बड़ा साइज है तो इसे हल्का हल्का कट लगा देंगे, जिससे कि रस बनाने में कोई दिक्कत ना हो, तो हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे। अब इस मिक्सर जार में हम डाल लेंगे अपना आम। तो ये जूसर जार कहते हैं, बड़ी साइज में होता है, इसमें हमारा रस उछलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ हम दो आम का पल्प डाल लिए हैं। अब इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा शक्कर। तो यहाँ पे आप अपने मीठा के अनुसार डालिएगा, ज़्यादा मीठा है तो इसमें एक कप शक्कर डालिए, नहीं तो चार चम्मच में भी हो सकता है। और साथ में हम डाल देंगे एकदम चिल्ड दूध, ये फ्रिज का दूध है हमारा, तो दूध हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। मैंगो पीस जाने के बाद दूध डालेंगे तो ज़्यादा उछलेगा नहीं। और साथ में बाजार वाली लुक देने के लिए हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। ये फूड कलर हेल्दी होता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जूस अभी काफ़ी गाढ़ा है, हम थोड़ा दूध और डालेंगे। तो ये हमारा तैयार है बाजार से भी टेस्टी और हेल्दी मैंगो जूस। चलिए हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सभी ग्लास पोर कर लेंगे। आपको ठंडा चाहिए तो आइस क्यूब डालिए, लेकिन हमारे यहाँ तो ठंडा दूध से बना ही सब पसंद करते हैं, तो हमने ये बना लिया आज का ठंडा ठंडा कूल कूल मैंगो जूस, या मैंगो शेक कहिए आप। तो गाइस यहाँ पे हमारा तैयार है मैंगो जूस या मैंगो शेक कहिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।